हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 11th क्लास में अप्लाइड मैथ्स का ये एक मेन चैप्टर है। तो लॉगरिथम का क्या यूज है? लॉगरिथम कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के काम आता है। वैसे तो कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर भी काम आता है, तो कैलकुलेटर एक टूल है जो कैलकुलेशन के लिए काम आता है। इसी तरह लॉगरिथम भी एक टूल है जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। तो लॉगरिथम के अपने कुछ रूल्स हैं। अगर हम उन रूल्स को सीखेंगे तो हम लॉगरिथम को यूज कर पाएंगे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। लॉगरिथम को सिंपल हम लॉग लिखते हैं। अब बार बार हम लॉगरिथम लॉगरिथम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लॉग। तो लॉग में दो पोजीशन होती हैं और एक होती है पोजीशन यहाँ इसके फुट पे, और जिसको हम बोलते हैं बेस ऑफ द लॉगरिथम, मतलब बेस ऑफ द लॉग। और यहाँ लॉग के सामने एक नंबर रखा जाता है, लिखा जाता है, उसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ द लॉगरिथम, मतलब नंबर ऑफ लॉग। तो लॉग ऑफ द बेस, लॉग ऑफ द नंबर, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जब भी हम कभी लॉग लिखेंगे, सिंपली लॉग, तो ये इंग्लिश का वर्ड होगा। अगर हम लॉग के साथ नीचे बेस लिखेंगे और उसके आगे एक नंबर लिखेंगे तो ये मैथ का वर्ड हो जाएगा। ठीक है? तो ठीक है, तो लॉगरिथम का एक्सपोनेंट के साथ क्या रिलेशन है, अब सबसे पहले हम वो सीखेंगे। ठीक है? तो अगर हम कोई एक्सपोनेंट लेते हैं, जैसे जैसे मैंने लिया 2^6 इज इक्वल टू 64। ये मैंने एक एक्सपोनेंट फॉर्म ले ली है, उसका रिजल्ट ले लिया है। क्या आप इसे लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं? या अभी हमें सीखना होगा कि हम इसे लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी एक्सपोनेंट फॉर्म हो और आपके पास उसका रिजल्ट हो तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट, सॉरी, लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? आप लिखो लॉग, बेस लिखना होगा, नंबर लिखना होगा, तभी तो लॉग में बदलेगा ना। यस, तो आप इसे लिखो लॉग, मगर पहले आप एक्सपोनेंट फॉर्म के बारे में जानो। एक्सपोनेंट फॉर्म में ये होता है बेस, इसको क्या बोलते हो आप? बेस। और ये होता है पावर, पावर। और ये होता है रिजल्ट, रिजल्ट। ठीक है? तो अब जब हम इसे लॉग में बदलते हैं तो पावर रिजल्ट बन जाता है और रिजल्ट नंबर बन जाता है और बेस बेस ही रहता है। तो क्या बेस था हमारा? 2। तो लॉग का बेस भी वही रहेगा 2। तो जो पावर है वो आंसर बन गया, जो रिजल्ट है वो नंबर बन गया। तो रिजल्ट को बना दो नंबर, यहां लिख दो 64 और इज इक्वल टू लिख दो पावर, और वो कितनी है? 6। दैट्स ऑल। आपको एक एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना आ गया। फिर से देखते हैं एक बार फिर, एक बार फिर। जैसे मैंने 3^3 लिखा इज इक्वल टू 27। अब इसको मैं लॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं? तो आप लिखो लॉग और लॉग के साथ आएगा इसका एक बेस, और बेस वही होगा जो एक्सपोनेंट का बेस है, और वो है 3। ठीक है? और उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, लॉग का नंबर बनेगा 27, और जो पावर है वो रिजल्ट बन जाएगा। रिजल्ट नंबर बन जाएगा और जो पावर है वो रिजल्ट बन जाएगा 3। यस, तो ये आपने एक एक्सपोनेंट को लॉग में कन्वर्ट करना सीखा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं लॉग में। फिर से देखते हैं 5^4 इज इक्वल टू 625। अब इसको लॉग में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो ये सबसे पहले लिखेंगे हम लॉग। अब इसमें दो जगह भरनी है, एक है बेस और एक है नंबर। बेस में बेस ही जाएगा 5, और नंबर में रिजल्ट जाएगा 625, और पावर इसका रिजल्ट बन जाएगा 4। ठीक है? यस। तो सबसे पहला काम
हमने जो लॉग के चैप्टर में सीखना है कि एक एक्सपोनेंट को हम लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? यस, तो मैं एक सिंपल इसको दोबारा से लिखता हूं कि a रेज टू पावर x इज इक्वल टू b बदल जाता है लॉग में, लॉग बेस बेस रहेगा और रिजल्ट इसका नंबर रहेगा और पावर इसका आंसर रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा लॉग वाले का, ठीक है? तो आप एक्सपोनेंट को लॉग में बदल सकते हो, ठीक है, मगर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी। और कंडीशंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ये है, जो ये बेस है, बेस ये शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से बड़ा होना चाहिए, तभी आप बदल सकते हो इसको लॉग में, पहली बात। और ए जो है ये बेस, ये वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वन का मतलब कोई भी पावर हो वन ही होता है, तो वन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, जो ये रिजल्ट है हमारा, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, रिजल्ट भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और फिर जो हमारी पावर है ये भी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तो ही हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, ये रूल्स की कंडीशन हो गई जो कि आपको याद रखनी है। तो आपको याद रहेगा कंडीशंस क्या है कि ऑल शुड बी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव, एक्स भी पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, और दूसरा ए वन नहीं होना चाहिए। डन, ठीक है। अच्छा, अब हम एक बात और सीख लेते हैं कि मैंने कहा किसी भी एक्सपोनेंट को आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका रिवर्स भी हो सकता है, किसी भी लॉग को आप एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल, ठीक है, देखते हैं फिर से। जैसे 4 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 64, अब इसको हम बदलते हैं लॉग में, तो इसका लॉग क्या होगा, लॉग बेस, बेस क्या है 4, यहां पे आ गया 4, और लॉग आंसर क्या है वो नंबर बनेगा 64 इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये रिजल्ट बन जाएगा 3, ठीक है। यस, अब हम इसको रिवर्स सीखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है लॉग, यहां लिखा है 2 और यहां लिखा है 32, इधर लिखा है 5, अब इसको एक्सपोनेंट में बदलो, क्या लिखेंगे, बेस है ना, तो बेस आएगा, बेस, देखो बेस और उसके ऊपर पावर और फिर रिजल्ट, तो रिजल्ट क्या बनता है, लॉग का नंबर, ठीक है, तो लॉग का नंबर जो है वो रिजल्ट बनेगा, अब ये जो आंसर है वो पावर बन जाएगा, इक्वल टू 32, दैट्स ऑल। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिवर्स भी आना चाहिए और डायरेक्ट फॉर्म भी आनी चाहिए। फिर से देखते हैं, लॉग 3 और 27 या 81 ले लेते हैं, 81 इज इक्वल टू 4, इसको एक्सपोनेंट में बदलना है, तो ये है पावर, सॉरी ये है बेस, तो 3 बेस है, बेस रहेगा, और फिर जो ये 4 है रिजल्ट, ये पावर बन जाएगा, इज इक्वल टू जो नंबर है वो रिजल्ट बन जाएगा 81। यस, ठीक है, तो ये हो गया कि कैसे हम एक्सपोनेंट को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंट में बदल सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1, 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 81। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको लॉग में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस इनटू लॉग। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि एक्सपोनेंट फॉर्म को हम लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहला पार्ट, लॉग, लॉग लिखा, बेस लिखो, बेस कितना है 3, और यहाँ पे रिजल्ट लिखो कितना है 81, इज इक्वल टू पावर लिख दो 4। यस, ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगले क्वेश्चन के लिए, अब यहां पर लॉग का बेस क्या होगा, बेस होगा 2 और नंबर क्या होगा 1/32, और फिर इसका आंसर क्या होगा, जो पावर है वो आंसर होगा,
डन? यस। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट, नेक्स्ट इसे देखते हैं, इसमें भी ऐसा ही लॉग लिखेंगे और लॉग के बाद इसका बेस लिखेंगे। बेस क्या है? 16, और फिर नंबर क्या है? 8। रिजल्ट आएगा नंबर में और जो पावर है वो रिजल्ट बन जाएगी 3/4। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। अब इसको देखते हैं, इसको भी लिखेंगे लॉग, बेस क्या होगा? बेस होगा 6 और नंबर रिजल्ट होगा 1 = 0 इज द आंसर। ठीक है, तो आपको आ गया कैसे हम किसी भी एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उल्टा क्वेश्चन, लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अब लॉग को एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे देखते हैं। तो बेस तो बेस ही आएगा 3 और जो इधर है रिजल्ट वो पावर बन जाएगा = नंबर रिजल्ट बन जाएगा। तो नंबर रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट पावर बनेगा। यस, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज नेक्स्ट में भी ऐसा ही होगा कि यहां पर बेस क्या है 8 और उसके ऊपर पावर क्या आएगी -1 = रिजल्ट, द नंबर है वो रिजल्ट बन जाएगा। डन, ठीक है, नेक्स्ट। अब इसको देखते हैं, यहां पे बेस क्या है 10 और 10 के ऊपर पावर क्या आएगी रिजल्ट -4 = क्या आएगा नंबर 0.0001। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर से देखते हैं कि यहां पे भी हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बेस को पावर में, एक्सपोनेंट में। तो बेस तो 2 है, बेस 2 आएगा, फिर जो रिजल्ट है वो पावर बन जाएगा जो नंबर है वो रिजल्ट बन जाएगा 0.25। बस ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करना आ गया कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं लॉग को एक्सपोनेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच लॉग इज डिफाइंड। लॉग कब डिफाइन होगा? लॉग डिफाइन होने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी, a^x = b, यही तो सब लॉग में जाएगा। इसको क्या लिखते हो आप, लॉग लॉग बेस a रहेगा, यहां b रहेगा = x। तो मैंने बोला था आपको इसमें इसमें कंडीशन ये है कि a हो गया, b हो गया, x हो गया, सब ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए। ठीक है ना, ए बी एक्स सब ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, मतलब लॉग का बेस, लॉग का नंबर और लॉग का रिजल्ट, ये सारे ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए, यही है कंडीशन। अब यहां देखते हैं, पहले पार्ट में ये लिखा है लॉग, ये 5 और एक्स माइनस 3। ये लॉग कब डिफाइन होगा, ये लॉग कब डिफाइन होगा? लॉग डिफाइन होगा जब ये बेस ग्रेटर देन जीरो होगा, वो तो है, जब नंबर ग्रेटर देन जीरो होगा, यस, मींस जब एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब एक्स ग्रेटर देन 3। अगर एक्स ग्रेटर देन 3 होगा तो लॉग डिफाइन होगा। नेक्स्ट इसको देखते हैं, अब यहां भी लॉग कब डिफाइन होगा, फिर वही सेम स्टेप 3, यहां 6x - 2। तो लॉग डिफाइन होगा व्हेन 6x - 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब 6x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 1/3, तभी लॉग डिफाइन होगा। ठीक है, यस। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब लॉग की इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखते हैं यहां फर्स्ट पार्ट में, ये लॉग लॉग बेस 8 है, रूट 8, और नंबर x है = 10/3। ठीक है, तो इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। बेस क्या है रूट 8 के ऊपर पावर क्या रहेगी, जो आंसर है 10/3 = क्या होगा, वो जो x है। ठीक है, अब क्या होगा, अब बेस 8 के ऊपर 1/2,
के ऊपर 10 बाय 3 इज इक्वल टू एक्स, ये 2 ये 10 से कटा, 8 के ऊपर 5 बाय 3 इज इक्वल टू एक्स। अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू पावर 3 रेस टू पावर 5 बाय 3 इज इक्वल टू एक्स, तो 2 रेस टू पावर 5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो इसका मतलब x हो गया 32, yes, ठीक है। तो क्या किया मैंने, जस्ट इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया और एक्सपोनेंट को सॉल्व कर दिया, yes। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में इट इज log, log बेस 10 और 2x इज इक्वल टू 1, तो क्या लिखेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसे बेस 10 रिस्ट पावर 1 इज इक्वल टू 2x, मतलब 10 इज इक्वल टू 2x, तो 10 बाय 2 ये 2 10 से कटा, इट मींस 5 इज इक्वल टू x इज द आंसर, ठीक है, सिंपल। तो आपको इसके लिए log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, एक्सपोनेंट को log में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है log, log बेस 4 और 2x प्लस 3 रेस्ट टू द पावर 3 बाय 2, तो इसे भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, तो इज इक्वल टू है ये इज इक्वल टू 3 बाय 2, तो इसे भी एक्सपोनेंट में क्या लिखेंगे, पहले 4 रेस्ट टू द पावर क्या आएगा, रेस्ट टू द पावर बेस है और ये नंबर हमारी पावर बन जाएगी 3 बाय 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब ये 4 को लिखेंगे 2 रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू द पावर 3 बाय 2 3 बाय 2 और 2x प्लस 3, ठीक है, और ये 2 2 पावर कट गई, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 2 रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इट इज 8, 3 को इधर लाओ, माइनस 3 इज इक्वल टू 2x, 5 इज इक्वल टू 2x, तो 5 बाय 2 इज इक्वल टू x, दैट्स ऑल। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है log और फिर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में यहाँ बेस है 4, मगर बेस 4 नहीं है, ये बेस 10 है, 10 बेस 10, ठीक है। तो अब इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलते हैं, तो क्या करना होगा, बेस को पहले लेना होगा, 10 पहले लिया और उसके ऊपर आएगी ये पावर, पावर में क्या आएगा, रिजल्ट 2 इज इक्वल टू, रिजल्ट में क्या आएगा, लॉग का नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, तो इससे ये 100 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x 100 इधर आके माइनस 100 हो जाएगा, तो माइनस 55 इज इक्वल टू 0, नंबर सोचने होंगे, अब नंबर क्या होंगे, नंबर होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 11x प्लस 5x माइनस 55 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x कॉमन, x माइनस 11, 5 कॉमन, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, x माइनस 11 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यस। तो यहां से x क्या हो गया 11 और x क्या हो गया माइनस 5, ठीक है। तो अगर हम माइनस 5 रखते हैं, माइनस 5 रखने पर देख लो कौन सा नंबर रखने पर आपका आंसर नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि लॉग तभी डिफाइन होता है अगर लॉग के साथ यहां पर पॉजिटिव नंबर हो। तो 11 रखने पर क्या आता है, 11 स्क्वायर इट इज 121 और प्लस 45 माइनस 66 ये पॉजिटिव होगा, ठीक है, 11 ठीक आंसर है। माइनस 5 को देख लो, माइनस 5 भी पॉजिटिव होगा, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है, दोनों के रखने पर लॉग के साथ जो नंबर है वो पॉजिटिव आता है, दैट्स ऑल, ठीक है, ये बात याद रखनी होगी, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हमारा है क्वेश्चन, यस,
अब है क्वेश्चन लॉग टू, नेक्स्ट पार्ट, और वो है लॉग टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। अब इसको मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं, आप बताओ जल्दी। बेस मतलब टू और रेस्ट पावर थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये कितना हो गया एट, माइनस वन इधर चला गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर नाइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री, तो प्लस माइनस थ्री दोनों आंसर हो गए। यस, अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट में लिखा है लॉग एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, यहां बेस नहीं है, देख लो और ध्यान रखो आज के बाद, जब भी कभी बेस ना हो तो आप बेस टेन लगाओगे, दैट्स ऑल, याद रखेंगे हम। तो जब भी कभी बेस ना हो तो बेस की जगह टेन लगाना है। तो अब इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी, बेस लिखो टेन और उसके ऊपर लिखो माइनस टू इज इक्वल टू एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन बाय टेन स्क्वायर हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स आ गया हमारे पास वन बाय हंड्रेड। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में यस, तो नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास लॉग टेन लॉग टेन लॉग टेन एक्स इज इक्वल टू वन। अब आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, कुछ रूल्स और पता होने चाहिए कि लॉग के साथ अगर बेस और लॉग का नंबर अगर दोनों सेम हो तो आंसर वन होता है। ये भी लॉग का एक फॉर्मूला है, याद रखना होगा, मतलब कहने का कि लॉग जैसे टू बेस है, टू नंबर है तो वन, जैसे लॉग फाइव बेस है, फाइव नंबर है तो वन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी हमारे पास वन हो तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, जो आपका मन करे, लॉग फाइव और फाइव लिख दो, ये भी वन होता है, आपका मन करे लॉग टू टू लिख दो, ये भी वन होता है, आपका मन करे लॉग टेन टेन लिख दो, ये भी वन होता है। तो वन का मतलब कुछ भी लिख सकते हैं और लिखेंगे वो जिससे हमें फायदा होता हो। तो यहाँ सेवन पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, लॉग ये टेन और ये लॉग और टेन और ये लॉग एक और टेन इज इक्वल टू जीरो। अब जीरो की बात आती है। अब मैंने आपको भी बताया एक लॉग की प्रॉपर्टी बताई, अब मैं दूसरी एक और प्रॉपर्टी आपको बताता हूं कि लॉग वन एनी बेस इज इक्वल टू जीरो। लॉग के साथ वन हो और कोई भी बेस हो तो वो जीरो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग बेस फाइव वन भी जीरो होगा, लॉग बेस सेवन वन भी जीरो होगा, लॉग बेस टेन वन भी जीरो होगा, लॉग बेस ए वन भी जीरो होगा, सब जीरो होंगे। ये दूसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है, बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। यस, यहाँ पे वन जीरो आ गया, अब यहाँ पे जीरो आ गया है तो मुझे जीरो नहीं चाहिए। हाँ, एक प्रॉपर्टी और जो आपको याद रखनी है वो ये है, दूसरी प्रॉपर्टी जो है काम की वो है लॉग। अगर लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई है, बेस इनके सेम है तो लॉग लॉग समझो कैंसिल हो गए और फिर एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। जब भी कभी लॉग इज इक्वल टू लॉग हो, बेस सेम होने चाहिए तो लॉग के नंबर बराबर होते हैं, बस ये तीन बातें अभी आपको याद रखनी है। तो देखो अब यहां पर, अब ये हमारे पास जीरो है तो जीरो जीरो की जगह मैं क्या लिख सकता हूं सोचो, मगर मैं चाहता हूं ये इतने सारे जो लॉग हैं ये कैंसिल भी होने चाहिए, तो मैं ऐसा करता हूं यहां पे जीरो की जगह लॉग वन लिखता हूं मगर बेस टेन लिख देता हूं। मैंने बेस टेन क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है लॉग वन एनी बेस जीरो होता है, लॉग के साथ कोई भी बेस हो वो जीरो ही होना है। मैं चाहूं तो लॉग टू लिख दूं जीरो की जगह, बेस लॉग बेस टू लिख दूं, और मैं चाहूं तो लॉग बेस फाइव लिख दूं वन, वो भी जीरो होता है, मगर लिखेंगे वो जिससे फायदा होता हो। और फायदा कब होगा, फायदा तब होगा जब हमें ये लॉग बेस टेन काटना पड़ जाए, तो लॉग बेस टेन कटना चाहिए, ऐसा काम करो कि लॉग बेस टेन कट जाए,
तो मैं क्यों ना यहाँ लॉग बेस 10 लिख दूं, फायदा फायदा लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 ये गए, और बचा क्या, बचा लॉग बेस 10 एक्स इज इक्वल टू 1, ये बच गया। अब क्या करूं, मुझे तो और भी लॉग काटने हैं, तो क्या करूं, तो ऐसा करता हूं 1 की जगह नेक्स्ट स्टेप में लॉग बेस 10 और लॉग बेस 10 एक्स इज इक्वल टू 1 की जगह लॉग 10 10 लिख देता हूं। हाँ ये ठीक है, तो लॉग 10 10 भी तो 1 होता है, क्योंकि 1 कब होता है, जब लॉग का बेस और लॉग का नंबर सेम होते हैं तो आंसर 1 होता है। तो लॉग का बेस लॉग का नंबर सेम, तो आपका मन करे तो लॉग 2 लिख दो, इट इज एक्स इज इक्वल टू लॉग 10 और 10, तो हमें 10 लिखना ज्यादा सही रहेगा। क्यों, क्योंकि 10 गायब हो जाएगा और बचेगा क्या, एक्स लॉग बेस 10 एक्स इज इक्वल टू 10, ये बच गया हमारे पास। अब क्या करें, अरे एक्स निकालना है तो लॉग में से कभी अगर एक्स निकालना हो तो एक्सपोनेंट फॉर्म को यूज करो, तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकता हूं 10^10 इज इक्वल टू एक्स, दिस इज द आंसर, यही है हमारी एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, एक्सपोनेंट फॉर्म में तो आप लिख ही सकते हो। यस इट वॉज ए गुड क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अब देखते हैं हम इस एट पार्ट को, इसमें क्या है, ये है लॉग बेस 2 और फिर लॉग बेस 3 और फिर लॉग बेस 2 एक्स इज इक्वल टू 1। अब 1 आ गया, 1 कब होता है, जब लॉग का नंबर और लॉग का बेस दोनों सेम होते हैं तो 1 होता है। आपकी मर्जी आप 2 लगा दो, 2 लगा दो, आपकी मर्जी आप 10 लगा दो, 10 लगा दो, आपकी मर्जी आप 5 लगा दो, 5 लगा दो, जो लगाना है लगाओ आपकी मर्जी, मगर लगाना वो जिससे फायदा हो, तो फायदा होगा यहाँ पे 1 की जगह पे log 2 और 2 लगा के, फायदा क्या होगा, ये दोनों गायब हो जाएंगे और बचेगा क्या, log बेस 3 log 2 x इज इक्वल टू 2, ये बच गया सिर्फ 2। अब हम क्या करें, अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, अब log यहाँ पे 3 है और यहाँ पे log 2 है और एक्स है, मुझे यहाँ पे लॉग 3 चाहिए, बेस 3 चाहिए, तो ऐसा करता हूँ 2 को रहने देता हूँ और यहाँ पे लॉग बेस 3 और 3 लिख देता हूँ, क्योंकि 1 2 को 2 इंटू 1 लिख दिया और 1 को लॉग बेस 3 और 3 लिख दिया, ठीक है ना, हमें तो लॉग बेस 3 चाहिए था, और लॉग बेस 3 कौन ला सकता है, वो ला सकता है लॉग बेस 3 3, ठीक है, लॉग बेस 3 3 1 ला सकता है, तो 1 की जगह लिख दिया लॉग बेस 3 3। अब क्या करेंगे, अब ये लॉग बेस 3 नहीं जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी काम आएगी जो मैंने आपको अभी नहीं बताई, वो अभी आगे आने वाली है, तो मैं आपको अभी बता देता हूं बट आगे इसकी डिटेल दूंगा, ये 2 इस लॉग के नंबर के ऊपर पावर बन जाएगा, तो याद रखेंगे एक बात बता रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे m लिख दिया, ये log लिख दिया और n लिख दिया, तो ये जो बाहर का नंबर है log से पहले का नंबर ये उठ के पावर में चला जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप में log n रेज टू पावर m ऐसा लिख सकते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें log के पहला नंबर log के आगे के नंबर की पावर बन जाता है, ठीक है, तो यहां बना दो 2 को 3 की पावर बना दो, तो ये नंबर ये क्वेश्चन बाद में होना चाहिए था, अभी पहले आ गया, कोई बात नहीं, इसे log 3 और 3 की पावर 2 लिख दिया, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा log 3 log ये 2 है 2 x इज इक्वल टू log 3 9, अब फायदा फायदा तो हो गया, log 3 गए, तो क्या बचा, ये बचा log 2 x इज इक्वल टू 9, बस अब x कहाँ है, log का नंबर बना हुआ है तो उसको निकालना है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में करो, इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में करो, 2^9 इज इक्वल टू x, दिस इज द आंसर, ठीक है, आई बात सबको समझ में, यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारा, यस लॉग 10, अब ये है
लॉग बेस 10 और 2 रेस्ट पावर x. अब क्या करें, लॉग इट इज 2 रेस्ट पावर x प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू x 1 माइनस लॉग 10 5. यस, अब इसमें फिर एक प्रॉपर्टी लगने वाली है जो आगे काम आएगी, अब उसको मैं फिर बता देता हूं आपको. चलो देखते हैं ये क्या है. लॉग 10, तो यहां पे क्या है, यहां पे x है और यहां पे 1 है. तो 1 को ऐसे करता हूं, लॉग 10 टू रेस्ट पावर x प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू x, इसको लॉग बेस 10 और नंबर 10 लिख देता हूं, माइनस लॉग बेस 10 और 5 कर देता हूं. ये मैंने कर दिया, 1 की जगह लिख दिया. अब लॉग, अब आप समझ लो एक बात, अगर लॉग के बाद दो नंबर डिवाइड में होते हैं, जैसे लॉग एक्स बाय वाई, ये एक प्रॉपर्टी है आपको याद रखनी है, जैसे लॉग एक्स बाय वाई, तो इसका मतलब होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, जो भी बेस है. अगर लॉग के बाद नंबर डिवाइड में है तो इसका मतलब होता है लॉग ऊपर का नंबर माइनस लॉग नीचे का नंबर, अगर लॉग के बाद नंबर डिवाइड में है. और अगर लॉग दो माइनस में है तो उल्टा, रिवर्स रिवर्स रिवर्स. सीखो जैसे फिर से एक बार, लॉग के बाद अगर नंबर डिवाइड में है, जैसे a बाय b, तो आप कहते हो ये होता है log a माइनस log b, log ऊपर का नंबर माइनस log नीचे का नंबर, ऐसे होता है. और अगर ये माइनस में है तो उल्टा करो, तो log पहला बाय दूसरा, जैसे कहीं लिखा है, अब यहीं पे देख लो इतने हिस्से को क्या लिखा है, इतने हिस्से में क्या लिखा है, log 10 माइनस log 5, बेस सेम है ना, बेस सेम होना चाहिए, तो log 10 बाय 5 हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा log 10 बाय 5, ये हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा log 10, इट इज 2 रेस टू पावर x प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू x, ये हो जाएगा log 10 बाय 5. अभी रूल बताया मैंने आपको, अभी इस रूल के ऊपर काम करने वाले हैं, इससे नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है. अब फायदा क्या होगा, ये 5 10 से कट गया, ये हो गया log 10 और 2 रेस्ट पावर x प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू x और log 2. ठीक है, ये हो गया हमारा. अच्छा अब क्या करें, अब log का बेस क्या है यहाँ पे, तो log बेस 10 है, बेस 10 चल रहा है, बेस 10 लो, यहाँ बेस 10 लो. ठीक है, इस x को इस 2 के ऊपर ले जाओ, तो log 10 2 raised to power x plus x minus 41 is equal to log 10 2 raised to power x. फायदा हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए. अब ये 2 raised to power x plus x minus 41 is equal to 2 raised to power x और ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x minus 41 is equal to 0, x is equal to 41 आंसर हो गया. ये कैंसिल करने के बाद जीरो कैसे हो गया, ये कहीं दिक्कत तो नहीं आई आपको, देखो मैं बताता हूं, कैंसिल नहीं करते. ठीक है, तो ये 2 रेस टू पावर x प्लस x माइनस 41 माइनस 2 रेस टू पावर x इज 0, अब ये दोनों कैंसिल, तो x माइनस 41 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 41 इज द आंसर. ठीक है, आई बात समझ में, यस. अब नेक्स्ट रूल्स पे आ जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन लास्ट के दो पार्ट आप सेकंड रूल के बाद करना, आपको बड़ा आसान लगेगा, नहीं थर्ड रूल के बाद, सॉरी. नेक्स्ट है हमारे पास रूल टू. ठीक है, नेक्स्ट है रूल टू. अब हमें लॉग के बारे में कुछ और बातें पता होनी चाहिए कि लॉग, जैसे मैंने लिखा यहां पर लॉग बेस ए, और यहां जो भी नंबर लिखा है उसे लॉग का नंबर बोलते हैं, और उसके ऊपर कोई पावर है, मान लो कोई भी पावर ले लेते हैं हम एन, और ये एन आगे आ जाता है,
इज इक्वल टू एन लॉग ए और एक्स, ये ऐसे लिखा जा सकता है, पावर आगे आती है। मतलब जैसे लॉग बेस 5 लिखा है और यहाँ 2 क्यूब लिखा है, तो 3 आगे आएगा और लॉग 2 और बेस 5 वैसे ही रहेगा। फिर एक और एग्जांपल, जैसे लॉग के बाद यहाँ 10 लिखा है और यहाँ 5 - 7 लिखा है, तो 5 की पावर कितनी है? -7, तो -7 आगे आ जाएगा और फिर ये लॉग 5 और बेस 10 रह जाएगा। ठीक है, तो लॉग के बाद कोई नंबर के ऊपर पावर है तो वो आगे आ जाती है, ये हमने अभी भी पढ़ा था पीछे। ठीक है, पहला रूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, पहला कंप्लीट हो गया इसे छोड़ते हैं, अब दूसरे रूल की बात करते हैं लॉग। अब नीचे बेस में भी पावर हो सकती है, जैसे कि 2 के ऊपर 3 आ गया और यहां 5 आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? ये 5 तो रहेगा, ये जो 2 के पावर 3 है ना, बेस में जो पावर होती है 1 अपॉन करके बाहर आती है, बेस वही रहेगा और नंबर वही रहेगा। ठीक है, फिर से देखते हैं, लॉग नीचे बेस है 5 raised to power -7 और यहां 6 है, तो बेस के ऊपर जो पावर है वो बाहर आएगी मगर 1 अपॉन माइनस सेवन और ये लॉग 5 और 6। ठीक है, तो हमने सीखा कि बेस पर, अब ये दो रूल हैं एक बार फिर देख लेते हैं, ये देखो इन रूल्स को देखते हैं। ये जो हमारी नंबर के ऊपर पावर है ये भी आगे आ जाती है मगर ऊपर आएगी, मगर बेस के ऊपर जो पावर है ये भी आगे आ जाती है मगर 1 अपॉन करके आती है। और अगर ये दोनों मिल जाएं तो ऊपर वाली पावर आगे आएगी और नीचे वाली पावर नीचे आएगी, तो ये हमारा हो गया। देखो, लॉग के नंबर के ऊपर भी पावर है, लॉग के बेस के ऊपर भी पावर है, बेस की पावर भी आगे आएगी, नंबर की पावर भी आगे आएगी, बस नंबर की पावर ऊपर आएगी, बेस की पावर नीचे आएगी। दैट्स ऑल, दिस इज आंसर। ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज हैं, ये कुछ रूल्स आपको याद रखने होंगे। अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लॉग 5 क्यूब और 2 raised to power 5, क्या होगा? 3 बाहर आएगा, 5 आएगा और लॉग 5 raised to power 2 आएगा। यस, ऊपर वाली पावर बाहर आएगी मगर ऊपर आएगी, नीचे वाली पावर भी बाहर आएगी मगर नीचे आएगी। डन, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लॉग के साथ आ गया 125 और नीचे आ गया 16, तो मैं चाहता हूं कि बेस 2 बन जाए, तो लॉग बेस 2 के ऊपर 4 लगाओ और यहाँ पे 5 के ऊपर 3 लगाओ, तो ये हो गया लॉग नीचे आ गया 2, 4 बाहर आ गया और ऊपर से पावर 3 बाहर आ गई, तो 3/4 बाहर आएगा और लॉग 5 और बेस 2 रहेगा। डन, यस। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यस, अब देखते हैं। अब यहां पर लॉग बेस कितना है? 5 raised to power 5। रूट 5 का क्या मतलब होता है? 5 root 5 का मतलब होता है 5 की पावर 1, 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 3/2। ये 5 की पावर 3/2 है और ऊपर 5 है। ठीक है, ये 3/2 आगे आएगा मगर नीचे आएगा, नीचे 1/3/2 और log base 5 और ये भी 5। ठीक है, यस। अब बताओ जो बाहर हमारा 3/2 है, ऊपर जाके वो 2/3 हो जाएगा और log 5 कितना होता है? ये 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 2/3 आ गया। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट, इसे लिखते हैं log 3 और ऊपर है 1/243, तो ये क्या होगा? ये होगा log base 3 और ऊपर वाले को 1/3 raised to power 5 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 raised to power 5 243 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में log 3 और ऊपर 3 की पावर -5 कर दिया, -5 आगे आ जाएगा और ये रह जाएगा log 3 और 3, तो log 3 और 3 तो 1 हो गया, तो -5 into 1 minus
फाइव हो गए, माइनस फाइव, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, लॉग ये सिक्स है और 216 रूट सिक्स, तो लॉग सिक्स तो ऐसे ही रहेगा और ऊपर जो है उसको देखते हैं 216 क्या होता है, सिक्स रेज टू पावर थ्री, तो इसे सिक्स रेज टू पावर थ्री और रूट सिक्स लिखते हैं, तो सिक्स की पावर थ्री और सिक्स की पावर वन बाय टू, पावर एड हो जाएंगी, सिक्स की पावर इट इज सेवन बाय टू हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में लॉग सिक्स और सिक्स की पावर सेवन बाय टू कर दिया, अब सेवन बाय टू आगे आ जाएगा, लॉग सिक्स और सिक्स हो जाएगा जो कि वन, सेवन बाय टू आंसर आ गया जो कि ये वन हो गया, सेवन बाय टू आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, नेक्स्ट लॉग लॉग एट और थर्टी टू, इसे करते हैं लॉग टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री एट होता है, और टू की पावर फाइव कर देते हैं, ऊपर से फाइव बाहर आ गया, नीचे से थ्री बाहर आ गया, और रह गया क्या, लॉग टू टू जो कि हो गया वन, फाइव बाय थ्री आंसर आ गया जो कि हो गया वन, ठीक है, फाइव बाय थ्री आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यस अब इसको देखते हैं, लॉग लॉग हंड्रेड, हंड्रेड को मैं टेन रेज टू पावर टू लिख सकता हूं, और लॉग पॉइंट वन, पॉइंट वन को वन बाय टेन लिख सकता हूं, यस, तो ये हो गया लॉग टेन की पावर टू और टेन की पावर माइनस वन, तो ऊपर से माइनस वन बाहर आया और नीचे से टू बाहर आया और लॉग टेन और टेन रह गया, तो लॉग टेन टेन करना कितना फायदेमंद है हमें, तो वन हो जाएगा, तो माइनस वन बाय टू आंसर आ गया, तो लॉग का नंबर और लॉग का बेस सेम करने में बहुत फायदा होता है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट, अब इस फोर्थ पार्ट में लॉग के साथ 0.01 है और ऊपर लिखा है थाउजेंड, तो ऐसा करते हैं लॉग 0.01 को 1 बाय 10 रेज टू पावर 2 मतलब 100 कर देते हैं, और ऊपर 10 रेज टू पावर 3, और नीचे हो गया लॉग 10 रेज टू पावर माइनस 2 और 10 रेज टू पावर 3, और ऊपर से 3 बाहर और नीचे से माइनस 2 बाहर, और ये लॉग हो गया 10 और नीचे हो गया 10, ये हो गया 1, तो माइनस 3 बाय 2 आंसर हो गया, ठीक है। यस, अब नेक्स्ट देखते हैं, यस, अब यहां भी लॉग ये 25 है, 25 को मैं 5 स्क्वायर करता हूं, 125 को मैं 5 क्यूब करता हूं, और फिर माइनस माइनस लॉग, इसे 125 को मैं 5 क्यूब करता हूं और 25 को 5 स्क्वायर करता हूं, तो नेक्स्ट स्टेप में 3 ऊपर से बाहर 2 नीचे से बाहर और लॉग 5 5 हो गया, और माइनस ऊपर से 2 नीचे से 3 बाहर और ये लॉग 5 5 हो गया, आगे बात समझ, तो पावर पावर बाहर आ गई, तो 3 बाय 2 और ये 1 हो गया और 2 बाय 3 और ये 1 हो गया, तो 3 बाय 2 माइनस 2 बाय 3 सॉल्व किया, एलसीएम आ गया 6, इट इज 9 माइनस 4 5 बाय 6 इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यस इट इज लॉग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉग टू लॉग थ्री 81, तो ऐसा करता हूं लॉग टू लॉग थ्री 81 को हम लिखते हैं 3 रेस टू पावर 4, ठीक है, यस 3 रेस टू पावर 4, तो ये हो जाएगा लॉग टू और ये लॉग 3 रेस टू पावर 4 में 4 आ गया, लॉग से पहले 4 आएगा, 4 बाहर आ गया लॉग से पहले, और ये log 3 और 3 रह गया, और log 3 3 क्या होता है, ये तो 1 हो गया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया log 2 और 4 क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो अब 4 को log 2 और 2 का स्क्वायर कर दो और 2 को आगे ले आओ, log 2 2 जो कि 1 होता है, तो ये 2 into 1 जो कि 2, डन, यस, तो ये आपको आया समझ कि क्या किया हमने। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, बस इस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और रह गए, यस
अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है लॉग 16। अब क्वेश्चन देख रहे हैं ना सब, लॉग 16 16 को मैं 4 रेस टू पावर 2 लिख दूं और लॉग 64 को मैं 4 रेस टू पावर 3 लिखूं, मल्टीप्लाई लॉग 27 को मैं 3 रेस टू पावर 3 और 9 को 3 रेस टू पावर 2 लिख देता हूं, 1/2 और ये लॉग 4 को 2 रेस टू पावर 2 और ये 2 लिख देता हूं। डन, यस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 3 यहां से 3 आगे आएगा, ये 3 आगे आएगा ऊपर, ये 2 आगे आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 3/2 और ये लॉग और 4 और 4 मल्टीप्लाई, यहां से 2 आएगा और नीचे से 3 आएगा और ये लॉग 3 और 3, यस। यहां से 1/4 हो गया और ये लॉग 2 और 2 हो गया, ये 2 नीचे आएगा, देखो ये 2 नीचे आएगा, तो नीचे पहले से 2 पड़ा हुआ है, 1/2 और 1/4 हो गया। अब क्या फायदा होगा, अब फायदा ये होगा कि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आपने देखा हम प्रैक्टिस चल रही है हमारी जिसमें हमने ये समझा है, सीखा है कि लॉग का नंबर और लॉग का बेस दोनों सेम हो तो बहुत फायदा है, वो 1 हो जाता है। अब यहाँ 1 हो गया तो बचा क्या, 3/2 मल्टीप्लाई 2/3 डिवाइड बाय 1/4, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल और नीचे बचा 1/4 जो ऊपर जाके 4 हो गया, 4 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यस, इस क्वेश्चन को देखते हैं, यस, लॉग, ये है लॉग 2 और फिर लॉग 2 और फिर लॉग 3 और फिर लॉग 3 और 27 के ऊपर 3, 27 को हम 3 क्यूब लिखते हैं, 3 क्यूब के ऊपर 3। अब ये पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लॉग 2 लॉग 2 लॉग 3 लॉग 3 और 3 के ऊपर 9, ये 9 अब आगे आ जाएगा यहां पे लॉग से पहले, लॉग की प्रॉपर्टी है ना कि लॉग के बाद जो पावर है वो आगे आ जाती है, तो लॉग 2 उसी लॉग के आगे आएगी, उसी लॉग के आगे लॉग 3 और फिर लॉग के पहले, मतलब 9 और लॉग 3 और 3। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, यस, तो ये हुआ लॉग। नेक्स्ट हमारा लॉग 2 लॉग 2 लॉग 3 और 9, क्योंकि वो 1 हो गया, लॉग 9 को फिर से लिखेंगे 3 रेस टू पावर 3, तो ये हो गया लॉग 2 लॉग 2 और ये 3 आगे आया, मतलब इसको 9 को लिखा सबसे पहले हमने लॉग 3, इसको लिख दिया 3 स्क्वायर और ये 2 आगे आ जाएगा, अब ये लॉग 2 और ये लॉग 2 और ये 2 आगे आ गया लॉग 3 और 3, अब ये लॉग 3 और 3 हमारा 1 हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा लॉग 2 और लॉग 2 और 2 और लॉग 2 2 कितना हो गया 1, तो ये हो गया लॉग 2 1 और आपको मालूम है लॉग ऑफ 1 विद एनी बेस इज इक्वल टू 0, यस 0 इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा लॉग 2, फिर से ऐसा ही एक क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट 9 पार्ट, ये इसको क्या करना है हमें, देखो अब ये है लॉग 2 और फिर लॉग 2 और फिर लॉग 4 और 256 की जगह पे इसे हम 4 रेस टू पावर 4 लिख देते हैं, 4 रेस टू पावर 4। मुझे कैसे ख्याल आया कि मुझे 4 रेस टू पावर 4 लिखना चाहिए, क्योंकि मुझे बेस 4 पे काम करना है, बेस 4 है तो नंबर भी 4 चाहिए, तभी 1 हो जाएगा और प्लस 2 और ये लॉग ये 2 और ये रूट 2 है ना,
रूट टू की पावर, टू की पावर कितनी है, टू की पावर है 1/2, तो 1/2 नीचे आ जाएगा। तो यहां देखते हैं ये 4 आगे आएगा, ये log 2 और ये log 2 और ये 4 आगे आ गया और log 4 और 4 हो गया, प्लस 2 के नीचे आ गया 1/2 और ये log 2 और 2 हो गया। ठीक है, तो फायदा क्या हुआ, फायदा हुआ ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो ये हो गया log 2 और 4 प्लस ये हो गया 4 और ये भी 1, तो ये यहाँ पे log 2 और ये 2 स्क्वायर हो गया प्लस 4। ठीक है, अब 2 स्क्वायर में 2 आगे आ गया, तो log 2 और ये log 2 और 2 प्लस 4, अब हमारा ये 1 हो गया, तो ये log 2 ये भी 1 हो गया, log 2 ये भी 1 हो जाएगा, तो इसे छोड़ो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया इंटू 1 हो गया प्लस 4 हो गया, आंसर आ गया 5। यस, हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट, 12th पार्ट, log 27 log 4 x raised to power 9 और ये root is equal to 2/3। अब हम सोचते हैं कि किसी तरीके से ये log 27 गायब हो जाए, तो वो तभी हो सकता है जब मैं इसको इंटू 1 लिखूं। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गए, मगर आसान है आपके लिए, और ये x raised to power root 9 और इज इक्वल टू इसे 2/3 इंटू मैं log 27 लिख सकता हूं। यस, अब मैं 2/3 को उठा करके इसे ऊपर ले जाता हूं पावर में, लेके जा सकते हैं log 27 और log 4 और x रेस टू पावर 9/2 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 9 के ऊपर रूट का मतलब है x की पावर 9 के ऊपर 1/2, तो x की पावर 9/2 हो गया। ठीक है, यस, तो यहां पे लिख दिया मैंने इज इक्वल टू, अब ये log, ठीक है, अब ये log और बेस 27 और ये 27 के ऊपर पावर 2/3। तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये log 27 log 4 x की पावर 9/2 इज इक्वल टू log 27 कि 27 का मतलब 3 raised to power 2/3। अब ये तो गायब ही हो गया, 27 log 27 तो गया। ठीक है, तो क्या बचा, log 4 x raised to power 9/2 और ये 3 raised to power मल्टीप्लाई 3 कट गया, 3 raised to power 2 आ गया, तो ये कितना हुआ, ये हुआ log 4 x की पावर 9/2 इज इक्वल टू 9। यस, अब इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो क्या लिखेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, बेस 4 रेस टू पावर 9 इज इक्वल टू x रेस टू पावर 9/2। यस, ठीक है, अब हमें 9 पावर हटानी है क्योंकि हमें x निकालना है, तो 9 पावर कैसे हटेगी, तो दोनों तरफ 1/9 पावर से मल्टीप्लाई करो, ये बात आपको पता है, मैं आपको बताता हूं, देखो अगर कभी आपके पास x raised to power 5 इज इक्वल टू 2 है, आपको x निकालना है, तो आप दोनों तरफ 1/5 पावर ले लो, x के 5 के ऊपर भी 1/5 ले लो और 2 के ऊपर भी 1/5, क्योंकि मैथ में जो भी करना है दोनों तरफ करना होगा, ये 5 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5 आ गया, डन, कितना आसान है। x अगर निकालना है तो उसके ऊपर जो पावर है उसका रिवर्स दोनों तरफ ले लो। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखो, जैसे जैसे
जैसे एक्स की पावर 2/3 है इज इक्वल टू 7, आप एक्स निकालना चाहते हो, अब दोनों तरफ 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/3 मल्टीप्लाई मतलब दोनों तरफ पावर ले लो, दोनों तरफ पावर ले लो 3/2, 7 के ऊपर भी ले लो 3/2, पर इधर क्या फायदा होगा, ये कट गया, एक्स अलग हो गया, 7 की पावर 3/2, तो एक्स की जो भी पावर हो उसका रेसिप्रोकल पावर दोनों तरफ ले लो, ठीक है। यहां भी ऐसे किया, 4 की पावर 9 के ऊपर 1/9 लिया, एक्स की पावर 9/2 के ऊपर 1/9 लिया, तो ये 9 गया, ये 9 गया, 4 इज इक्वल टू x² आ गया, ठीक है। यस 1/2, सॉरी स्क्वेयर नहीं है ये, 1/2, 1/2। अब क्या करोगे, स्केयरिंग, स्केयरिंग करो, तो 16 इज इक्वल टू x आ गया। यस दिस द आंसर, स्केयरिंग करने पे 16 आ गया। यस तो ये था एक टॉपिक हमारा पूरा होने जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सामने रखा है मैंने आपके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक कंपटीशन लेवल का, इसका क्या करने वाले हैं। तो इसका क्या करें, इतने बड़े नंबर का, ऐसा करते हैं कि रूट टेन इन्फिनिटी को एक्स मान लेते हैं, तो क्वेश्चन हो जाएगा लॉग base 10 और एक्स, ठीक है। अब इसको साथ में सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा आपने रूट टेन इनफाइनाइट रूट टेन को एक्स माना है, अगर मैं इसमें से एक हटा दूं, जैसे मैंने रूट 10 लिखा और बाकी सब मैंने हटा दिए, बाकी सब ये सारे वाले ये सारे मैंने हटा दिए, और रूट 10 क्या मैं सबको एक्स लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। बस ये बात सबको ध्यान रखनी है, एक मिनट, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, यस। अच्छा क्या किया मैंने, रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स कितने हैं, इनफाइनाइट, अगर हम एक छुपा दें तो कोई फर्क पड़ेगा, अभी भी तो वो इनफाइनाइट ही रहेंगे। तो इनफाइनाइट को तुमने क्या माना है, एक्स, इनफाइनाइट को तुमने क्या माना है, ये पूरे को तुमने क्या माना है, एक्स, किसको माना है, रूट टेन सबको आपने एक्स माना है, तो क्या ये जो मैंने एक छुपाया है और बाकी सब मिलकर के रूट टेन नहीं हो गए, हो गए इंफिनिटी तक, तो उनको एक्स नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो √10x = x हो गया, ऊपर रूट लगा हुआ है, ठीक है, स्केयरिंग कर दो तो 10x = x², 10x = x², ठीक है ना, 10x = x², इसे सॉल्व करना है, बड़ी छोटी सी इक्वेशन हो गई, तो x² - 10x = 0, x कभी भी नहीं काटते, x कॉमन ले लो, x - 10 = 0, x = 0 और x = 10, ये हमारा आंसर हो गया। अब तुम बताओ x की जगह 0 सही रहेगा, तुम अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, अब तुम्हारा है log base 10 और ये x की वैल्यू डाल दो, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, इस पूरे की वैल्यू जो ये लिखा था इतना बड़ा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू 2 आ गई है, एक तो 10 आ गई है और एक तो 0 आ गई है, तो 0 तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से बनता ही नहीं है, इट इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, रिजेक्ट करो इसे, रिजेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि जो भी लॉग का नंबर है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1, मगर ये तो 0 है, तो 0 नहीं चलेगा, ये लॉग base 10 नंबर 10, ये 1 हमारा आंसर आ गया, दिस इज द आंसर 1, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद और प्रॉपर्टी सीखेंगे, बस 2 क्लास में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।